नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए रुख करते हैं फटाफट खबरों की ओर। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के कई गांवों का दौरा किया, लोगों की समस्याएं सुनी और फसलों का निराकरण भी किया। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार भी महाग्राम योजना के तहत हलके में कर रही है घर नल से जल मिल जाए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के साथ साथ आय बढ़ोतरी की भी अपार संभावनाएं, किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती करनी चाहिए। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने किसानों का हमेशा शोषण किया, कांग्रेस भ्रम फैला रही है और किसानों को गुमराह कर रही है। देशवासियों को हफ्ते के पहले दिन में महंगाई की जबरदस्त चोट पड़ती दिख रही। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी, जबकि पेट्रोल डीजल के दाम में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़त। बढ़त के बाद अब गैर सब्सिडी वाले 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपए हो गई। इसके पहले 719 रुपए था, ये कीमत आज से लागू हुई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले एक हफ्ते से लगातार बढ़ रहे। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, कई शहरों में आंकड़ा 100 के करीब पहुंच गया। महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर किया जनता से लूट, सिर्फ दो लोगों का विकास। आज से पूरे देश में फास्टैग अनिवार्य हो गया। परिवहन मंत्रालय के आदेश के मुताबिक टू व्हीलर को छोड़कर सभी वाहनों में आधी रात से फास्टैग लगाना अनिवार्य। बिना फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर दोगुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा। फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। सरकार की तैयारी है कि अब 100% टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किए जाएंगे। फिलहाल नेशनल हाईवे से जितने भी टोल टैक्सेस आते हैं उनमें 80% टोल फास्टैग की मदद से आते हैं। फास्टैग को वाहनों की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। टोल पर क्रॉसिंग के दौरान डिवाइस रीडिंग फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से टोल प्लाजा पर लगे स्क्रीनिंग से कनेक्ट होता है और फिर फास्टैग अकाउंट से डायरेक्ट पैसे कट जाते हैं। किसानों के आंदोलन के दौरान चर्चा में आया टूल किट मामला अब गंभीर होता दिख रहा। दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के बेंगलुरु से 21 साल की दिशा रवि को गिरफ्तार किया। दिशा एक क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है। उन पर आरोप है कि जिस टूलकिट को ग्रेटा ने ट्वीट किया था वो दिशा ने ही एडिट के बाद उसे आगे बढ़ाया। अब इस मामले में दिशा रवि को दिल्ली की अदालत ने 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया। कई विपक्षी नेताओं एक्टिविस्ट संगठनों ने दिशा रवि की गिरफ्तारी को गलत बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, जयराम रमेश समेत कई नेताओं ने दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर भी दिशा के पक्ष में ट्रेंड चल रहे हैं और स्टूडेंट अपनी आवाज उठा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर किया देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में है उसका समूल नाश हो जाना चाहिए, फिर चाहे वो दिशा रवि हो या कोई और। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मामले को लेकर ट्वीट किया और सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव ने लिखा, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैली है हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया कि ये लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला है, किसानों का समर्थन करना कोई अपराध नहीं। जिनके नरवाना में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक हुई, इस बैठक में सभी ने बारी बारी से संबोधित किया, लेकिन जब कांग्रेस नेता विद्या रानी की बारी आई तो वो कुछ ऐसा बोल गई जिससे उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
उन्होंने कहा पिछले चुनाव में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसे में कांग्रेस को पूरी तरह से आंदोलन में मदद करनी चाहिए क्योंकि यह आंदोलन कांग्रेस के लिए मौका है जिससे कांग्रेस फिर से जन्म ले सकती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी को किसानों के पास सब्जी, पैसा और शराब पहुंचाना होगा। विद्या रानी ने जब शराब का जिक्र किया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए। विद्या रानी ने सफाई दी कि आंदोलन में हर तरह के लोग हैं जिसमें कुछ लोगों को शराब भी पसंद है। सोशल मीडिया पर अनुसूचित जाति से संबोधित टिप्पणी करने के मामले में क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ हांसी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बीते साल जून महीने में युवराज के खिलाफ सोशल एक्टिविस्ट रजत ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। पुलिस की तरफ से मामले में कार्रवाई न करने के खिलाफ शिकायत कोर्ट में याचिका दायर की गई। युवराज सिंह ने पिछले साल रोहित शर्मा के लाइव चैट में युजवेंद्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले में नेशनल अलायंस और दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक ने पुलिस में शिकायत दर्ज की और वीडियो भी सौंपी। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। स्वास्थ्य विभाग ने गाजियाबाद में अवैध रूप से चल रहे एटीएम सेंटर पर रेड की। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि गाजियाबाद में कृष्णा नर्सिंग होम पर लिंग जांच कर अवैध रूप से गर्भपात किया जाता है। टीम ने फर्जी ग्राहक बनकर भेजा जहां 15,000 में सौदा तय हुआ। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी के दौरान 3 भ्रूण बरामद हुए। 2 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। रेलवे के निजीकरण के विरोध में अब रेलवे कर्मचारी भी आवाज उठाने लगे हैं। नॉर्थ वेस्ट रेलवे यूनियन के बैनर तले रेलवे जंक्शन पर कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना दिया और निजीकरण को रोकने की मांग की। यूनियन के जिला प्रधान ने कहा कि उनकी मुख्य मांगे हैं पुराना पेंशन बहाल की जाए, रेलवे कर्मचारियों को डीए उन्हें उपलब्ध कराए जाएं और रेलवे निजीकरण पर रोक लगाई जाए। कर्मचारी नेताओं ने कहा अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो ब्लॉक स्तर पर हड़ताल करेंगे और जरूरत पड़ी तो रेलवे का चक्का जाम करेंगे। किराया बढ़ने से यात्रियों की संख्या कम होगी और रेलवे की आय भी घटेगी। रेवाड़ी में महिला मजदूरों को कंपनी से बाहर कर दिया गया और कंपनी ने गेट के बाहर कटीले तार लगा दिए। महिला मजदूरों ने कंपनी प्रबंधकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कंपनी और मजदूरों के बीच तकरार की बीच कंपनी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन विजिटर्स के साथ उन्हें रहने को मजबूर कर रहा था। उत्तराखंड के चमोली जिले में 8 दिन पहले आए त्रासदी के बाद अब तक 44 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में चलाए जा रहे बचाव अभियान में 8वें दिन 15 और शव मिले। इनमें से 5 शव 520 मेगावाट की एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाट सुरंग से मिले। इनके अलावा 7 शव रेड़ीगांव और 1 शव रुद्रप्रयाग जिले से मिला। पृथला के गांव चंदावली में आईएमटी में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और रोटरी क्लब इंडस्ट्री ने क्लब ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पृथला के विधायक और हरियाणा मेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने शिरकत की। नैनपाल रावत ने कहा कि आईटीएमटी की समस्याओं को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे और यहां पर जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करवाएंगे। बाबा लाल जी की महिमा की आरती को गाकर अंबाला के युवा गायक कार्तिक आनंद ने भक्तों को भक्ति के रस में सराबोर कर दिया। बाबा लाल जी की महिमा से पूरे विश्व में फैले उनके भक्त परिचित हैं। ओम जय बाबा लाल जी गुरु स्वामी जी जय बाबा लाल गुरु की ध्वनि से मानो भक्तों को बाबा लाल के चरणों में साक्षात ला दिया। युवा गायक कार्तिक आनंद द्वारा गाए इस आरती को टी सीरीज कंपनी के बाबा लाल जी के जन्मदिन के मौके पर रिलीज किया। कार्तिक का ये नौवा भजन है जिसमें 8 भजन को टी सीरीज जैसी प्रतिष्ठित म्यूजिक कंपनी ने प्लेटफॉर्म दिया। इस संगीत में आरती के जरिए कार्तिक ने भक्तों के दिल में एक जगह बनाई। उन्हें देश विदेश से भी बधाइयां और आशीर्वाद मिल रहे हैं। शेयर बाजारों में बढ़त का रुख बरकरार। कारोबारी सत्र में बॉम्बे स्टॉक एजेंसी का सेंसेक्स 52,000 अंक के पार पहुंचा।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी में भी तेजी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 416.41 अंक की बढ़त के साथ 51,960 पर रहा। यमुनानगर पिछले 3 दिन से कोहरे की चपेट में, दोपहर 12 बजे तक भी सूर्योदय के दर्शन नहीं हो पा रहे। कोहरे के चलते वाहन रेंगते नजर आए। कैथल कोहरे की चादर से लिपटा नजर आया। कैथल में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम नजर आई। कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ी, जिसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। भिवानी में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी न होने के बराबर रही, जिससे वाहन चालक काफी परेशान नजर आए। वाहन सड़कों पर रेंगते नजर आए। कोहरा गेहूं और सरसों की फसल के लिए वरदान साबित हो रहा है। अभी गेहूं की फसल को नमी और ठंडक चाहिए, तो दिन में बढ़ रहे तापमान से सरसों की फसल को हो रहा फायदा। अंबाला बोर्ड एरिया के गुड़गुड़िया नाले में डूबने से एडवोकेट की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एडवोकेट बाजार से अपनी सेंट्रो कार से घर जा रहा था और घने कोहरे के कारण उसे रास्ता दिखाई नहीं दिया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एडवोकेट की डेड बॉडी नाले से बाहर निकाली। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक पलटने जाने से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक में सवार सभी लोग मजदूर थे और पपीते से भरे ट्रक धूले की तरफ जा रहे थे। पीएम मोदी ने हादसे के शिकार हुए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। फतेहाबाद में भी किसानों ने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से जेपी दलाल को बर्खास्त करने की मांग की। रतिया में संजय गांधी चौक पर किसान मजदूरों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनके बयान को शर्मनाक बताया। कृषि मंत्री ने किसानों को ठेस पहुंचाई। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के भिवानी में दिए गए बयान के बाद किसानों में गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा। करनाल के कमेटी चौक पर किसानों ने कृषि मंत्री के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के इस्तीफे और किसानों के बीच आकर माफी मांगने की मांग की। हालांकि कृषि मंत्री के बयान पर चारों तरफ से उनकी आलोचना होने के बाद उन्होंने घंटों बाद ही अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है। हरियाणा की बेटी मनिका को फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनने पर सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी। सीएम ने कहा कि ये खुशी की बात है कि प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करेंगी। सीएम मनोहर लाल ने आगे लिखा कि बेटियां देश प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। बेटी मनिका की उपलब्धि प्रदेश की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणादायी है। पंचकुला की बरवाला चौक पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि महाराणा प्रताप के बलिदान को देश के लिए एक गौरव की बात है। स्पीकर ने कहा कि विधानसभा में भी महाराणा प्रताप की बहादुरी कौम में वास्ता रखने वाले लोग हैं। साथ ही इस मौके पर दलित परिवारों को घर दिलाने का काम भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं 21 कुंडलीय यज्ञ और मंत्रोच्चार के बीच आयोजन संपन्न हुआ। तिगांव के बीजेपी विधायक राजेश शाहबाद गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड में बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान राजेश ने कहा कि इससे कई गांवों को फायदा होगा। विधायक राजेश ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो मांगे हैं वो जरूर पूरी की जाएगी, उनको जल्द पूरा किया जाएगा। अधिकारियों से बात कर लोगों की शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। अंबाला शहर के सेक्टर 9 में बनी बावा विहार कॉलोनी में प्रथम महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा सम्मान कार्यक्रम में पहुंची। बावा विहार कॉलोनी में रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी रहते हैं। रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा का स्वागत किया। इस मौके पर कॉलोनी वासियों ने नगर निगम से जुड़ी समस्याओं से मेयर को अवगत कराया। शक्ति रानी शर्मा ने कहा सभी समस्याओं को हाउस की बैठक में रखा जाएगा, उनका निपटारा भी किया जाएगा। इस दौरान मंच से बोलते हुए मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सभी का धन्यवाद दिया।
हरियाणा में गौशालाओं के निर्माण को लेकर सरकार की तरफ से नई गौशाला का निर्माण कराया जाएगा, साथ ही 2021 में सड़कों को आवारा जानवरों से मुक्त किया जाएगा। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन सरवर कुमार गर्ग ने गुरुग्राम पहुंचकर तमाम गौशालाओं का दौरा किया। गर्ग ने कहा कि योजनाओं को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। गर्ग के मुताबिक हरियाणा में करीब 650 गौशालाएं हैं, जिनमें से 400 गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं, वो भी 4,50,000 गौशालाओं का रजिस्टर बाकी है। हरियाणा पहला राज्य है जहां बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। वल्लभगढ़ में जेजेपी नेताओं ने 20 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार गरीब और मजदूरों के हित में काम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भ्रष्ट पुलिस वालों पर लगाम लगाने को लेकर माइनिंग से जुड़े पुलिसकर्मियों के लिए आई कार्ड बनाए जाने और चेकिंग के दौरान उसे गले में लगाना जरूरी होगा। इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में मूलचंद शर्मा ने कहा कि कई जगह से पुलिसकर्मियों के अवैध वसूली की शिकायत मिली है, कुछ लोग नकली पुलिसकर्मी बनकर अवैध उगाही कर रहे हैं। मूलचंद शर्मा ने रेत माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में बिना लाइसेंस के खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंधन निदेशक शशांक आनंद ने अधिकारी कर्मचारियों को उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करें। निगम के प्रबंध निर्देशक शशांक आनंद ने दावा किया कि आज से चार पांच साल पहले बिजली निगम नुकसान में था, लेकिन अभी निगम भारत के पहले 10 लाभ वाले स्थानों में। उन्होंने कहा कि जहां पहले लाइन लॉस 34% था, वहीं अब 2016 में 18% आ गया है। अब भारत सरकार और हरियाणा सरकार के आदेश में 15% कम लाने की कोशिश। नूह में वन विभाग के नोटिस लेकर लोगों ने एक पंचायत की। अरावली की वादियों में हरे भरे उड़ान कर आशियाना बनाने वाले लोगों को नए साल के बाद वन विभाग की तरफ से तोड़ने के पूर्व मकान पर नोटिस चिपकाए गए। स्थानीय लोगों ने वन विभाग की कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए कहा कि मंदिर तक जाने वाली सड़क के दोनों तरफ बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। नूह जिले में हुए प्रशासनिक फेरबदल के बाद डीएसपी के तौर पर शमशेर सिंह ने कार्यभार संभाला। शमशेर सिंह ने कहा कि किसी भी सूरत में अपराधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएसपी शमशेर सिंह ने कार्यभार संभालते हुए एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने कहा कि इलाके में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, अपराधी अपराध छोड़ते। गुरुग्राम में राम के मंदिर निर्माण के लिए रन फॉर राम मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निधि समर्पण अभियान के सामाजिक संस्थाओं ने किया। रन फॉर राम मैराथन का आयोजन सेक्टर 29 में पार्क से शुरू हुआ। ये मैराथन 5 किलोमीटर लंबी रही। इस दौरान लोगों ने मंदिर निर्माण में सहयोग देने का प्रण लिया। गांव सुरती में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें दूल्हे की मां को गोली लगी। दूल्हे की मां को रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया। दोनों पक्षों के 7 लोगों को चोट आई। झगड़े की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। मामले में पड़ोस के रहने वाले शख्स पर फायरिंग का आरोप। करनाल के कबूलपुर खेड़ा गांव के पास एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि तीनों शव खेत में पड़े मिले, जिसके बाद पुलिस सूचना पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक पिज्जा की दुकान चलाते हैं। तीनों युवक पानीपत से अपने गांव लौट रहे थे, तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। परिजनों के मुताबिक तीनों युवक में से एक युवक की मार्च में शादी थी। भिवानी सदर थाना पुलिस ने चाचा के हत्यारे 2 भतीजों को गिरफ्तार किया। अपने खेत के पास ट्यूबवेल लगाने को लेकर चाचा को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। कैथल की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की पानीपत भटिंडा पाइपलाइन में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 2 जगह सेंध लगाने का मामला सामने आया। सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस को दी गई शिकायत में पानीपत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सहायक निरीक्षक अभियंता द्वारा बताया गया कि कैथल मानल के नीचे तेल की पाइपलाइन में
तेल चोरी करने के उद्देश्य से दो वॉल्व लगाए हुए थे। चरखी दादरी में हिसार जा रही रोडवेज बस धुंध के चलते डंपर से जा टकराई। इस हादसे में दर्जन सवारियां घायल हुए, घायलों में बस ड्राइवर शामिल, डंपर चालक के सिर में आई चोट। कोसली विधानसभा क्षेत्र में मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के आवास का घेराव करने के साथ ही गुरुग्राम कूच किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार अनदेखी कर रही है। कार्यकर्ताओं के मुताबिक 12 महीने काम करने के बदले 10 महीने का वेतन दिया जा रहा, दिसंबर महीने की तनख्वाह सरकार ने अब तक नहीं दी। मिड डे मील कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें समय पर वेतन दिया जाए, साथ ही उनका रुका हुआ वेतन उन्हें दिलाया जाए, इसके साथ ही भत्ता और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए। कैथल में दहेज के चलते विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से विवाहिता को दहेज के लिए लगातार तंग किया जा रहा था। विवाहिता की मौत के बाद मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। डबवाली में 2 महीने पहले हुई गौ तस्करों की हत्या के मामले में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। गौशाला में 65 साल के सेवादार की रॉड से हमला कर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद पुलिस ने हमलावरों की तलाश में डीएसपी के अंडर टीम की गठित की, लेकिन पुलिस को 2 महीने बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। 10 फरवरी की जिंद रोड पर हुई आरती की हत्या के सरपंच और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी के विवाद में वारदात को अंजाम दिया। गोहाना जिंद रोड पर 10 फरवरी की रात को गांव के आरती राजेश उर्फ राजू की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर जल्द हथियार भी बरामद किए। चरखी दादरी के जिला उपायुक्त के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भ्रूण लिंग की जांच के मामले में गिरोह को गिरफ्तार किया। झज्जर के अस्पताल में जांच कराने का आरोप। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्लानिंग के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्लान के तहत 80,000 रुपए भ्रूण लिंग जांच का सौदा तय हुआ। गुरुग्राम में परिवार पहचान पत्र को लेकर प्रशासन की एक तरफ से पूरी तैयारियां। पटौदी इलाके में अब स्कूल संचालकों की भी मदद ली जा रही है।